गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे निबंध लेखन जिसका टॉपिक है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग करना चाहिए ये सबको पता है, लेकिन अगर इस पे पैराग्राफ आ जाए तो सभी बच्चे सोचते हैं कि समय का सदुपयोग तो करना चाहिए, लेकिन पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखें। और कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा कि मैम, समय के सदुपयोग पर हमें पैराग्राफ लिखिए, लिखकर बताइए और हमें समझाइए कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, क्यों आवश्यक है, किस प्रकार जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पैराग्राफ बनाया है। आई एम डैम श्योर जिस तरह से आपको मेरी सभी वीडियोस पसंद आती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आइए इसको रीड करते हैं। समय और जीवन तो पूरक हैं एक दूसरे के, समय और जीवन तो पूरक हैं एक दूसरे के। सच तो यह है कि समय का ही रूप जीवन है। मनुष्य इस भूलोक की अनमोल कृति है, इसलिए मनुष्य का जीवन अमूल्य है और यह जीवन समय से बंधा है। अब समय से जीवन कैसे बंधा है, आइए देखते हैं। जीवन और समय का गहरा संबंध है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मनुष्य का जीवन भी बीतता जाता है। ओके, इसलिए मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो समझ में आया, समय और जीवन का बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे हमारा समय निकलता रहता है, वैसे वैसे हमारा जीवन भी निकलता रहता है। और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, सबको पता है। तो जो समय हमारा गुजर रहा है, अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उसका अच्छे से यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जीवन अच्छा बनेगा, हमारा प्रेजेंट अच्छा बनेगा, हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा और हम औरों की लाइफ में भी सुधार ला पाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट वे में अगर हम समय को बर्बाद करेंगे, गॉसिप करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और समय को वेस्ट करने की और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जीवन के वो पल निकल जाएंगे और उनको हम दोबारा गेन नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि हमें लाइफ में जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहते हैं ना, बात पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी तरह से समय है, एक बार समय निकल गया तो बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आइए इसको आगे रीड करें। समय का सदुपयोग हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। यह तो जीवन नश्वर और अनिश्चित है, ना जाने मौत कब दस्तक। एक बार दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं। यह जीवन तो नश्वर और अनिश्चित है, ना जाने मौत कब दस्तक देने आ जाए। इसलिए प्रतिदिन समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस अनिश्चित और नश्वर जीवन में ही हमें बहुत से कार्यों को पूरा करना है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है, वही सफल हो पाता है। यदि हम अपने इस अमूल्य समय को व्यर्थ ही गपशप और आलस्य में गवा देंगे, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तब सफलता हमसे कोसों दूर हो जाएगी। समय रूपी पूंजी समाप्त होने पर हम केवल हाथ मलते ही रह जाएंगे, या फिर इस लैंग्वेज में पढ़ूँ तो हाथ मलते रह जाएंगे। मैंने बोला था ना अभी, बात पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार समय हाथ से निकल गया, कोई काम जो था समय पर नहीं हो पाया, तो बाद में उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता और बाद में पछतावा करने से भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो अब तक आपको मेरा ये पैराग्राफ जो है कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाइए लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से ना केवल मुझे मोटिवेशन मिलता है, बल्कि आपके शेयर से अगर एक भी पर्सन आपकी वीडियो को देखता है और वो कुछ सीखता है, तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया में आपका सहयोग जाता है। और इंडिया को कौन होगा जो सफल नहीं बनाना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि इंडिया तरक्की करे, सब देशों से अच्छा बने, बहुत आगे बढ़े। तो आइए इसमें सहयोग दीजिए, ना केवल मुझे मोटिवेशन दीजिए बल्कि इसको शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयरिंग से कोई इसको पढ़े, रीड करे, समझे और कुछ सीखे।
आइए इसको आगे रीड करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। सॉरी, अभी पीछे का भी कुछ रह गया था। कबीर दास जी ने समय के महत्व को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया है। अब कबीर दास जी समय का महत्व बताते हुए क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम अभी कर लेना चाहिए, ना जाने अगले पल प्रलय ही आ जाए तो फिर। सॉरी, बाय मिस्टेकन एक लाइन खिंच गई थी, वो मैंने रफ कर दी। तो फिर मनुष्य उस काम को कब पूरा करेगा। अगर मैं शॉर्ट वे में बताऊं तो ये है, कल का काम आज और आज का काम अब करने के का मतलब ये नहीं है कि कल का खाना आप आज ही खा लें और आज का खाना आप अभी खा लें। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हमें, जो हम काम कर सकते हैं उसको करना चाहिए, पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो टाइम है, अभी हम ऐसा करते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, खेल लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और इस काम के लिए अभी 4 दिन पड़े हैं तो हम बाद में कर लेंगे। जितना जल्दी हो सके इम्पॉर्टेंट कामों को सबसे पहले निपटाना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आने वाला पल कैसे होगा और फिर वो काम रह जाएंगे। ओके, आइए इसको आगे रीच करें। विद्यार्थियों के लिए तो समय बहुत ही उपयोगी है। समय का महत्व वैसे तो सबके लिए ही ज़रूरी है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। इस काल में वे अपने जीवन की नींव को खड़ा करके सफलता की ओर बढ़ते हैं, परंतु आजकल विद्यार्थी समय को हंसी मजाक और सैर सपाटे में नष्ट कर देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। सपोज कीजिए कि पहले हंसी मजाक कर लिया, सैर सपाटा कर लिया, एग्ज़ाम की तरफ ध्यान नहीं दिया, सोचा कि एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम है, बड़े आराम से पढ़ लेंगे, और बाद में एग्ज़ाम वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाता है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता और क्या होता है कि मार्क्स कम आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। फिर बाद में पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर फिर से देने पड़ते हैं। तो ये महत्व बहुत स्पेशल है, बहुत ज़रूरी है समय का, कि जब भी टाइम है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ लीजिए। आइए इसको आगे रीड करें। इसलिए हर काम को निश्चित समय पर करना चाहिए। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं वह जीवन में सुखी व संतुष्ट रहते हैं तथा सफलता उनके कदम चूमती है। कौन नहीं जानता कि जो विद्यार्थी सफल होते हैं, फर्स्ट आते हैं, कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं या औरों को सिखाते हैं, या फिर जो भी विद्यार्थी सफल हैं आज, वो सभी उनकी सभी की सफलता के पीछे सिर्फ एक ही कुंजी है और वो है समय का सदुपयोग। उन्होंने कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करा। समय के सदुपयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन ज़रूरी काम ही करते रहें और बिल्कुल ही लाइफ में एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट जो है छोड़ दें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इम्पॉर्टेंट कामों को कल पे मत टालते रहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम एंटरटेनमेंट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट कामों को मन करता है छोड़ दें, कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है ना। तो उससे क्या होता है, सफलता धीरे धीरे हमारे से दूर होने लगती है। आई होप यू अंडरस्टूड। आइए आगे रीड करते हैं। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, जगदीश चंद्र बसु, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेता समय का पूरी तरह से सदुपयोग किया करते थे और इसलिए इतने महान बन पाए। देखिए कितने अच्छे अच्छे लोगों के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, और ये महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि इन्होंने समय का सदुपयोग करा। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और साथ ही में मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन क्लिक कर दीजिए बेल आइकन, सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको एकदम प्रायर बेसिस पर। और सबसे पहले आप ही अपने ग्रुप में इसको शेयर करें और आप ही इंडिया को आगे बढ़ने में हेल्प करें और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन दें। इसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स रोज पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स ध्यान से पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करते हैं तो उसके बाद रिप्लाई देखना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, आइए इसको आगे रीड करते हैं।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति कर सकता है और समय की उपेक्षा करने वाला कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता या कर पाता। जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूँ तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो समय का सदुपयोग करेगा वो अच्छा भविष्य बनाएगा, उन्नति करेगा, और जो समय को हल्के में लेगा कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, पाँच मिनट, सबने स्टोरी सुनी होगी ना, एक बच्चा हर एक काम को कहता है पाँच मिनट में कर लूँगा, और कोई काम भी टाइम पर नहीं कर पाता। तो इसी तरह से है, समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे रीड करें। समय एक ऐसा देवता है जो यदि हमने क्या पढ़ा था समय एक ऐसा देवता है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो सिकंदर बना देता है, पर यदि कुपित हो जाए तो समूल नाश कर देता है। तो देख लीजिए समय का उपयोग कितना ज़रूरी है। अगर ये ऐसे देवता हैं, इसको भगवान समान माना गया है कि अगर खुश हो जाए तो सिकंदर, यानी कि मुकद्दर का सिकंदर, और अगर नाराज़ हो जाए तो सब कुछ नाश कर देता है। तो समय का सदुपयोग कीजिए, हर एक काम टाइम पर कीजिए। एंड अभी के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।